दोस्तों आपने साल 1992 की हॉरर ड्रामा फिल्म चमत्कार तो जरूर देखी होगी, जिसकी कहानी एक गांव के लड़के की मुलाकात मार्को के भूत से होती है, जो उसके भोलेपन से प्रभावित होकर उसकी बहुत मदद करता है। इस फिल्म की कहानी तो थी ही लाजवाब, और इसे लाजवाब बनाया था इस फिल्म के कलाकारों ने, जिन्होंने अपने अच्छे प्रदर्शन से फिल्म में 4 चांद लगा दिए थे। लेकिन दोस्तों इस फिल्म को बीते हुए काफी समय हो चुका है। इन बीते वक्त में ये कलाकार आज इतने ज्यादा बदल गए हैं, जिन्हें पहचान पाना काफी मुश्किल हो गया है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप भी इस इंटरेस्टिंग बातों से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, और साथ ही इन कलाकारों के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 5, टीनू आनंद। फिल्म में कुंता का किरदार निभाते हुए अभिनेता टीनू आनंद नजर आए थे, जिन्होंने एक खलनायक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में इनके जबरदस्त खलनायक वाले अवतार से दर्शक खूब प्रभावित हुए थे। इस फिल्म के बाद इन्होंने कृष्णा, अंजाम, चाइना गेट और घातक जैसी फिल्मों में काम किया था, और अचानक से फिल्मी इंडस्ट्री से दूरी बना ली। इन्हें आखिरी बार साल 2013 की फिल्म रब्बा में क्या करूं में देखा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म में कुंता का किरदार निभाकर प्रसिद्ध होने वाले अभिनेता टीनू आनंद आज पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हैं। ये आज 74 साल के हो गए हैं, और उम्र के साथ साथ इन पर बुढ़ापा साफ देखा जा सकता है। नंबर 4, शाहरुख खान। इस फिल्म में भोले भाले सुंदर श्रीवास्तव का किरदार अभिनेता शाहरुख खान ने निभाया था, जो माला कुमारी से बहुत प्यार करते थे। इस फिल्म में दर्शकों ने इन दोनों की लव केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा पसंद किया था, जिसके चलते ये काफी पॉपुलर हो गए थे। इस फिल्म के बाद इन्होंने माय नेम इज खान, रब ने बना दी जोड़ी, जब तक ये जान और रईस जैसी फिल्मों में काम किया था। वर्तमान में भी इन्होंने अपने करियर को जारी रखा हुआ है, और अपनी अपकमिंग फिल्म सनकी की शूटिंग में बिजी हैं। पर क्या आप जानते हैं, इस फिल्म में सुंदर का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुए अभिनेता शाहरुख खान आज पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हैं। ये आज 54 साल के हो गए हैं, और इस उम्र में भी काफी हैंडसम लगते हैं। नंबर 3, जॉनी लीवर। फिल्म में सपोर्टिंग रोल निभाते हुए अभिनेता जॉनी लीवर नजर आए थे, जिन्होंने अपनी दमदार कॉमेडी से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था और काफी फेमस हो गए थे। इस फिल्म के बाद इन्होंने हेरा फेरी, गोलमाल 3 और एंटरटेनमेंट जैसी कई फिल्मों में काम किया था। वर्तमान में भी इन्होंने अपने करियर को जारी रखा हुआ है। इन्हें हाल ही की फिल्म हाउसफुल 4 में भी देखा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म में कॉमेडी का किरदार से सभी को दीवाना बनाने वाले अभिनेता जॉनी लीवर आज पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हैं। ये आज 62 साल के हो गए हैं, पर पहले जितने हैंडसम नजर नहीं आते, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। नंबर 2, नसरुद्दीन शाह। फिल्म में मार्को का किरदार निभाते हुए अभिनेता नसरुद्दीन शाह नजर आए थे, जिनका किरदार फिल्म में एक भूत का था। इन इनविजिबल किरदार को इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा था, और काफी लोकप्रिय भी हो गए थे। इस फिल्म के बाद इन्होंने द डर्टी पिक्चर, सरफरोश और मोरा जैसी तमाम फिल्मों में काम किया था। वर्तमान में भी इन्होंने अपने करियर को जारी रखा हुआ है। इन्हें साल 2018 की फिल्म अय्यारी में देखा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, फिल्म में मार्को का किरदार निभाकर दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाले अभिनेता नसरुद्दीन शाह, ये आज पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हैं। ये आज 69 ईयर्स के हो गए हैं, पर पहले जितने हैंडसम नहीं दिखाई देते, इनके चेहरे पे बुढ़ापा साफ साफ देखा जा सकता है। नंबर 1, उर्मिला मातोंडकर। फिल्म में मेन लीड एक्ट्रेस माला कुमार का किरदार अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने निभाया था, जिनका किरदार फिल्म में सुंदर की हीरोइन का होता है। इस किरदार को इन्होंने काफी अच्छे से निभाया और फेमस हो गई थी। इस फिल्म के बाद इन्होंने जुदाई, रंगीला भूत, एक हसीना थी जैसी कई फिल्मों में काम किया। लेकिन एक दिन अचानक इन्होंने भी इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय कह दिया। इन्हें आखिरी बार साल 2007 की फिल्म ओम शांति ओम में एक स्पेशल अपीयरेंस के तौर पर देखा गया था। वर्तमान में इन्हें इंडस्ट्री छोड़े हुए काफी समय हो चुके हैं, पर इन बीते समय में ये पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। ये आज 46 साल की हो गई हैं, और पहले से ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगती हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म में सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी थी, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।